नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना का जो आर्य कन्या स्कूल है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और इसमें योगदान देने वाले जो मेन है सुशील शास्त्री जी हैं। हम दिखा देते हैं जिस प्रकार से कोविड की जो महामारी चली थी उसको देखते हुए समाज के जो सामाजिक लोग थे उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि हर जगह पर, हर स्कूलों में और मोहल्लों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए जिससे जो लोगों की जान है वो सेफ रहे और सुरक्षित रहे। तो उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जो सुशील शास्त्री जी है उन्होंने भी ये कई बार बीड़ा उठाया है नरवाना के अंदर। जिस प्रकार से जाने माने चेहरे और कई सामाजिक कार्य है वो कर चुके हैं, आपको पता ही है लगातार। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना है उसको अमली जाना पहनाने में, नरवाना की जो स्कीम के हकदार थे उनको फायदा पहुँचाने में सुशील शास्त्री का मेन योगदान है। और जिस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी और वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और कोरोना की जो महामारी है उससे लड़ने के लिए हर मोहल्ले और स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप सुशील शास्त्री विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाए गए हैं। पहले हम शास्त्री जी से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। क्या कुछ कहोगे जिस प्रकार से कोविड की जो महामारी थी, हालांकि अभी कम हो चुकी है लेकिन वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, तो इसको लेकर आपने जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया है लोगों को किस प्रकार की हिदायतें दे रहे हैं और साथ में जिस प्रकार से SDM साहब पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। सबसे पहले तो एनजी न्यूज़ के हमारे कोरोना योद्धा भाई नवीन जी को मेरी जय श्री राम और एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी मेरे राम राम। ये वैक्सीनेशन कैंप हमारा ये तीसरा वैक्सीनेशन कैंप है। इससे पहले गत दिनों हमने पब्लिक धर्मशाला में वैक्सीनेशन कैंप लगाया था और आज तक का नरवाना का सबसे बड़ा वो कैंप रहा, 400 वैक्सीन लगी। इस वैक्सीनेशन कैंप में भी 200 से अधिक वैक्सीन लग चुकी हैं। आज इस अभियान वैक्सीनेशन कैंप के हमारे मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह SDM साहब हमारे बीच में पहुँचे थे और चंद्रकांत शर्मा हमारे यहाँ के विशिष्ट अतिथि थे, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके और वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के जो समाज में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की भी प्रशासनिक जो मदद है, सहयोग है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को प्रशासन उनका सहयोग करेगा और उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएँ देखकर वो बड़े प्रफुल्लित हुए। और इस प्रकार विश्व हिंदू परिषद समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए तत्पर है। पिछले दिनों भी हमने विश्व हिंदू परिषद की इकाई ने कोरोना से पीड़ित परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था, उनके लिए सैनिटाइज मास्क की व्यवस्था, अन्य अनेकों काम हमने हमारी टीम के द्वारा किए गए हैं। पूरे शहर के अंदर हमने गूगल धूप खेलने का काम किया हमारे पूरे यहाँ की नरवाना इकाई के द्वारा और पूरे वातावरण को सुगंधित करने का काम किया। एक दो और बड़े बड़े काम हमारी इस उसमें और आगे भी आने वाली है जो तीसरी लहर की जो आशंका दिखाई दे रही है उसके लिए अपने समाज को, हमारे इस नरवाना को हम कैसे बचाएं, इस नरवाना के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति ना हो उसके लिए इस प्रकार के और भी हम कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। हमारी टीम विश्व हिंदू परिषद के हमारे यहाँ की इकाई इस सारे काम के लिए बड़ी बधाई की पात्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया सुशील शास्त्री जी है, कोरोना की जो महामारी थी उन्होंने बड़ा योगदान दिखाया और एक नाम उभर कर आया सुशील शास्त्री, और आगे भी ऐसे ही आशा है कि जिस प्रकार के सामाजिक जो कार्य करे हैं उनमें इनका नाम हो और शहर के अंदर भी नाम हो। विशेष अतिथि है जो चंद्रकांत जी, उनसे भी बात करेंगे। SDM साहब जा चुके हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा थी, तो चंद्रकांत जी से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं बाहर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर लाइनों में बैठे हुए हैं। अंदर जाकर जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी हम तस्वीरें आपके सामने दिखाएंगे। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन जो कैंप लगाया गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, सुशील शास्त्री का मेन योगदान है और जी मुख्य अतिथि के तौर पर SDM साहब पहुँचे थे, विशिष्ट अतिथि के अपने चंद्रकांत जी पहुँचे हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ कहते हैं वैक्सीनेशन कैंप के बारे में। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो कोविड की बीमारी चली हुई थी अभी हालांकि कम हो चुकी है लेकिन जिस प्रकार से जो समाज के कुछ जाने माने चेहरे थे उन्होंने आगे बढ़कर सेवा की और जिस प्रकार से कोविड पर अब लगाम लग चुकी है वो भी सामाजिक लोगों ने और सरकार ने मिलकर काम किया तब जाकर ऐसा हुआ है। और जिस प्रकार से सुशील शास्त्री जी ने कोविड के कई कैंप लगाए हैं, कई ऐसे काम किया जो समाज के लिए एक प्रेरणा बनते हैं, तो क्या कुछ कहना है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ सुशील शास्त्री जी का, जिन्होंने लगातार कोविड के ऊपर वैक्सीनेशन का जो काम किया, पहले पब्लिक धर्मशाला में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, 400 के करीब वैक्सीनेशन लगी थी, वहाँ वैक्सीन लगी थी। और आज एक इन्होंने ऐसा प्लेस को चूज़ किया है जहाँ आम तबके के लोग रहते हैं और जिनको
जागरूकता नहीं थी। शास्त्री जी ने घर घर जाकर यहाँ एक तो अलाउंसमेंट के जरिए इन्होंने प्रचार किया, एक ये आर्या कन्या महाविद्यालय या आर्या प्रतिनिधि सभा की एक संस्था है और ये स्थान सबसे बढ़िया उत्तम स्थान था और आज इंद्रदेव भी हमारे ऊपर प्रसन्न है। तो सभी भाई बहनों ने सभी ने आकर यहाँ वैक्सीन ली। मैं सुशील शास्त्री जी का और अपने उपमंडल अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ कीमती समय आकर लोगों को प्रेरित किया और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ, धन्यवाद। तो जिस प्रकार से सर 16 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, और आप इन संस्थाओं की जिम्मेदारी मिली आपको, हाँ जी हाँ जी, तो क्या कुछ कहोगे पहली बार कोविड के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं? बहुत ही खुशी का विषय है। हम तो ये चाहते हैं कि हर स्कूल के अंदर बच्चे आए, क्योंकि कोरोना काल जो था इसके अंदर बच्चों का जो मानसिक और बौद्धिक विकास, जो क्लासों के अंदर टीचर्स आते थे और एक वैसे ही होमवर्क कराते हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट बातें हैं। मैं बड़ा ही खुश हूँ इस बात से कि सरकार ने इजाज़त दी है भाई 16 जुलाई से स्कूल खोलेंगे, जो भी उनकी पालना है उनकी पालना करेंगे कानून की, और सुचारू रूप से बच्चों का आत्म मंथन करके कोविड नियमों का पालन करके स्कूल को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, ताकि बच्चों के अंदर ये मेंटलिटी ना हो भाई स्कूल ना खुलने की वजह से हमारा विकास रुक गया है। हमारे यही प्रयास है और हमारे प्रिंसिपल महोदय को भी यही बोला है भाई वो अच्छे सुचारू रूप से ही स्कूल का संचालन करे, ताकि बच्चों को भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, धन्यवाद। आर्य कन्या महाविद्यालय की जो प्रिंसिपल है उनसे भी बात कर लेते हैं। अब जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो जल्द आने वाली है और खासकर छोटे बच्चों में ये लहर आएगी, तो स्कूल के हिसाब से स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने किस प्रकार के प्रबंध किए हैं यहाँ पर, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है और बच्चों को खासकर बचाना है? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। इस प्रकार से 16 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, 23 तारीख से 6-8, हाँ जी, तो जिस प्रकार से तीसरी लहर की बात जो की जा रही है सरकार की तरफ से, तो आपके स्कूल में आगे के लिए किस प्रकार के पुख्ता प्रबंध किए हैं ताकि जो बच्चे हैं इससे पीड़ित ना हो? हमने बच्चों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, पूरे स्कूल को सैनिटाइजर करवा दिया गया है और बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके बेंचेस सेट करवा दिए गए हैं। बस अब बच्चों के ही आने की देरी है। हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ स्कूल में, फेस टू फेस हम पढ़ें, बच्चे कुछ सीखें, क्योंकि ऑनलाइन सभी को पता है बच्चे नहीं कर पा रहे इतना। हम भी इस दिक्कत को समझते हुए अपना पूरा सहयोग करेंगे, बच्चों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, उनकी भावनाओं को समझते हुए किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा जिस प्रकार से कोविड की जो बीमारी थी उसको देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया और समाज के जो सामाजिक लोग थे उन्होंने आगे बढ़कर इस कार्य को अंजाम दिया। जिस प्रकार से हर गली, हर जो स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, तो आर्य कन्या महाविद्यालय यहाँ पर भी जो सुशील शास्त्री विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कैंप लगा गया, कई जगह पहले भी शास्त्री जी ने ऐसे कैंप लगाया, नरवाना के जाने माने लोग हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रकांत जी है जो इस संस्था के प्रमुख है, जिन्होंने जिम्मेदारी मिली है उनसे भी बात की और SDM साहब सुरेंद्र बेनीवाल जी पहुँचे थे, उन्होंने भी इस बारे में बताया कि कोविड से बचना जरूरी है, उसकी हिदायतें जरूरी माननी पड़ेगी और जरूरी पूरी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रामजाने जी है। देखते रहिए NG News हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।